हम क्या कह रहे थे कि क्योंकि हर चीज को पेमेंट होता है, ऐसे ही सॉफ्टवेयर में भी काफी तरह की लाइफ साइकिल होती है। लाइफ साइकिल बोले तो भाई चीज कहाँ से शुरू होएगी और कब हम उस चीज कंप्लीट मानेंगे। जैसे दो के मॉडल्स हैं किसी भी नए प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, वाटरफॉल एंड एजाइल। वाटरफॉल में क्या होता था कि हर उन्होंने उस प्रोजेक्ट को पांच चार पांच फेजेस में डिवाइड कर दिया। तो पहले हम लोग रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, फिर डिजाइन करेंगे, फिर उसको डेवलप करेंगे, फिर उसको टेस्ट करेंगे और फिर उसका यूएटी करेंगे, यूजर है। मतलब रिक्वायरमेंट में पहले हमने रिक्वायरमेंट दे, सपोज वही जो हम अभी एग्जांपल ले रहे थे खटिया बनाने का या कुछ भी करने का, तो हम क्या करते हैं पहले कस्टमर के पास जाते, उसकी क्या लंबाई चौड़ाई है, उसका क्या किस तरह का कलर लगेगा, किस तरह की लकड़ी लगेगी, किस तरह का यू नो क्या होगा, सब ऐसा करके बनाएंगे कस्टमर से फिर कस्टमर को दिखाएंगे और उसको फिर उसके बजट बनते हैं कि भाई ये बजट है आपका बनेगा अगर आप पूरा इसको ऐसे बना करके चलते हो तो। और मान लो कस्टमर का उतना बजट नहीं है, हिसाब से फिर कुछ चीजों को ज्यादा कम किया जाएगा, राइट। मतलब भाई वो लकड़ी थोड़ा सा कम रेट की लगाई जाएगी, मतलब कैसे भी कुछ करके उसकी बिलिंग कम की जाएगी, कुछ ना कुछ करके उसको उसके बजट में फिट करना होगा, नहीं तो वो नहीं करवाएगा आपसे, राइट। अच्छा तो अब एजाइल क्या होता है? एजाइल एक ऐसी चीज है कि भाई ठीक है हम जानते हैं कस्टमर का क्या बजट है और कैसे है, लेकिन वो ये कहता है कि अब खटिया का तो ये है कि बिना सामान के आप काम शुरू नहीं कर सकते, राइट। लेकिन मान लो अगर रोड बनाने का प्रोजेक्ट है, राइट, रोड पहले से सिंहारा से पालनपुर तक या पालनपुर से सिंहारा तक अगर कोई रोड बनानी है, राइट, तो ये तो पता है कि भाई ठीक है रोड पहले से बनी हुई है, करेक्ट। मतलब कोई नई रोड नहीं निकालनी है, नई रोड में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, राइट। नई रोड में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है कि भाई वो लैंड एक्वायर करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, राइट, कि भाई किसान लोग सामने आ जाएंगे कि और पता चला कि आपने काम शुरू कर दिया और आगे वाला अभी फाइनलाइज ही नहीं हुआ है। तो बेसिकली मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपका थोड़ा सा पहले से पता है लेआउट है कि हमें ये बनाना है, तो मान लो वही अगर सिंहारा से पास जो सड़क पहले से बनी हुई थी वो लेकिन खराब होगी, लेकिन उसको बनाना है, तो आप क्या करोगे कि भाई एक काम करते हैं थोड़ा सा बनाना शुरू कर देते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे फिर वैसे वैसे करके हम लोग यू नो पैसा निकालते जाएंगे, ऐसा कुछ करके इन चीजों को करा जाएगा, राइट। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, तो इस यानी के रिक्वायरमेंट एंड रिजल्ट तो पता है आपने को ये लेकर के आना है, बट रिक्वायरमेंट को छोटी छोटी स्टोरेज में ब्रेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब चलो ठीक है पहले ये वाला काम इतना करना शुरू कर देते हैं और फिर जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा लोगों को दिखाई भी देगा, तो उस तरह से करके मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलता है एजाइल। और एट द एंड ऑफ द डे और अगर कहीं पे चेंज करना पड़ा तो पूरा प्रोजेक्ट खराब नहीं होगा, थोड़ा सा अभी चेंज कर सकते हैं इस चीज को, राइट। तो वैसे ही जैसे हमने अभी ये वाला प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया सोसाइटी मैनेजमेंट वाला, राइट, उसमें हमने कहा कि अच्छा ठीक है लोगों ने स्क्रीन होगी, पहले जितना समझ में आ रहा है उतना बना देते हैं और फिर बाद में अगर चेंजेस की जरूरत पड़ी तो हम चेंजेस कर लेंगे, और धीरे धीरे करके यू नो कस्टमर को दिखाना शुरू करते हैं। सो दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड अजाइल डेवलपमेंट। ये आज की डेट में बहुत ज्यादा फेमस है ना। हर चीज के देखो कोई भी चीज 100% सही नहीं होती है, चाहे वो वाटरफॉल मॉडल हो और चाहे आपका ये इस तरह से करके ये एजाइल मॉडल हो, राइट। हर चीज के अपने कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, वो अपनी जगह ठीक है। अच्छा तो
तो अब मैं ये स्टोरी क्यों बता रहा था आपको, क्योंकि तो आपसे ये चीज पूछी जा सकती है कि आप किस मॉडल को फॉलो करते हो, राइट। एजाइल में कुछ नहीं होता है कि हर चीज को छोटी छोटी चीजों में ब्रेक कर लिया जाता है, स्टोरीज में ब्रेक कर लिया जाता है, और डेवलपमेंट डे वन से स्टार्ट हो जाती है कि चलो रिक्वायरमेंट के साथ साथ हम उस पर काम करना भी शुरू कर देते हैं, ठीक। अच्छा, अब जो चीज मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर किया था, ठीक है, ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा था कि जैसे ये है, तो इसमें मैंने अभी तक, तो अब मैं ऐसा क्यों बना देता हूँ, राइट। आप लोगों को भी मेरे साथ सोचना शुरू करना है। हमारे पहले वाले डिजाइन में क्या प्रॉब्लम थी, पहले वाले डिजाइन में ये प्रॉब्लम थी कि ज्वाइन ए सोसाइटी जब कोई बंदा करता है, पहले उसने सोसाइटी को सर्च किया, राइट। अब मान लो एक सोसाइटी के अंदर एक अपार्टमेंट होता है, अपार्टमेंट को हम क्या, ओहो वन सेकेंड, यू कैन सी नाउ, राइट। तो मैं क्या कह रहा था कि जो हमने कल डिजाइन बनाया था उसमें हमने यूनिट नंबर नहीं डाला था। तो भाई आप कोई बंदा किस यूनिट को ज्वाइन कर रहा है, देखो हर चीज का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है, राइट। भाई एक सोसाइटी के अंदर क्या होता है, एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर फ्लैट्स होते हैं, या अपार्ट मतलब कुछ भी बोल दो आप, फ्लैट्स बोलो या अपार्टमेंट बोलो, राइट। उसमें हर फ्लैट का अपना एक नंबर होता है, करेक्ट। अदरवाइज आप ऐसे ही करके ज्वाइन कर जाओगे, राइट, तो पता कैसे चलेगा कि आप कौन से फ्लैट नंबर से हो, ऐसे तो कोई भी घुस जाएगा, राइट। तो कहने का पर्पज यह है कि यूनिट नंबर की कमी थी, राइट, इसके अंदर। तो इसकी जो भी टेबल थी, मेरे ख्याल से सोसाइटी यूजर टी करके टेबल थी, उसमें आपको यूनिट नंबर ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो इस टेबल में आप यूनिट नंबर ऐड करोगे और ऐसा करके ज्वाइन कर जाओगे, तो यानी कि उसका यूनिट नंबर भी सेव होना शुरू होना चाहिए। फिर वो अब एक सोसाइटी के अंदर एक बंदे के मोर देन वन फ्लैट हो सकते हैं, राइट। इसलिए इस माई सोसाइटीज के अंदर जहां से भी आप ये डेटा दिखा रहे हो, मेरे ख्याल से सोसाइटी यूजर टी से ही दिखा रहे हो, राइट, उस सोसाइटी यूजर टी से आपका क्या होना चाहिए, उसमें मेरे को एक सिंगल शॉट में ये पता चलना चाहिए कि मेरा ये सोसाइटी है, इस सोसाइटी में मेरी मेरे फ्लैट का नंबर ये है और मेरे ऊपर इतने अमाउंट का ड्यू है, राइट, या सरप्लस है, जो भी है, मतलब बेसिकली पता होना चाहिए भाई अल्टीमेटली पर्पस क्या है एंड यूजर का। वी आर गोइंग टू मेंटेन दी मेंटेनेंस ऑफ दी सोसाइटीज। वो आपको पहले ही बताया मैंने एक सोसाइटी किस तरह से चलती है, राइट। सिंपल सा है यार, एक सोसाइटी को मैनेज करने के लिए बड़ी सारी चीजें लगी होती हैं, जैसे उसमें लिफ्ट होती है, बोरवेल होते हैं, जनरेटर सेट होता है, कॉमन एरिया को साफ करने के लिए मेड्स होती हैं, या फिर सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। तो ये जो सब चीजें की फैसिलिटी होती है, हर चीज मेंटेनेंस चाहिए होती है, राइट। तो बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, या सोसाइटी सिक्योरिटी गार्ड को तनख्वाह देनी है, राइट। तो इन सबों सबको ऐसा कुछ करने के लिए सोसाइटी के जो भी लोग रेजिडेंट्स हैं उनसे पैसा लिया जाता है कि भाई इतना पैसा आया, ऐसे ऐसे करके आपका ये पैसा ऐसा करके खर्च हो गया। तो इस चीज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग एन एप्लीकेशन, राइट। तो ठीक है, और जिससे सारी कैलकुलेशन एक जगह इकट्ठी होती रहे। तो हमने सोसाइटी क्रिएट की, ज्वाइन सोसाइटी की किसी बंदे ने, उसके बाद हमने यहाँ पे ऐसा करके इंफॉर्मेशन दिखा दी। अब तो मुझे कल समझ में आया कि भाई मुझे सिंगल शॉट में पता चलना चाहिए, जैसे ही मैं ओपन करूं, कि भाई इस सोसाइटी में इतना अमाउंट ड्यू है और इस सोसाइटी में ही मेरा एक और फ्लैट है सपोज, राइट, मेरा एक और फ्लैट है मान लो G5, राइट, तो इसमें मेरा 1500 DU है, ऐसा करके ये पता चलना चाहिए। दिस इज माई अल्टीमेट एम एक्चुअली, राइट। तो इस चीज से एक चीज और समझ में आ गई, वो क्या चीज समझ में आ गई, कि हमें एक फील्ड
और तो दो फील्ड ऐड हो गई, जो सोसाइटी यूजर टी टेबल है उसमें दो फील्ड ऐड हो गई, कौन कौन सी, एक यूनिट नंबर और एक डीयू अमाउंट, है ना, एक डीयू अमाउंट करके उसमें हमने ऐड कर दिया। ठीक है, सॉरी। ओके, तो अब इसके बाद तो जैसे मैं सोचता हूं ना वैसे ही आपको भी सोचना शुरू करना है। टेक्नोलॉजी इज अ सेकेंडरी थिंग, हमें प्रोजेक्ट भी समझ में आना चाहिए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही मैं इस सोसाइटी को, ये मेरी स्क्रीन हो गई, सबसे पहले स्क्रीन यही है बेसिकली, दूसरी स्क्रीन होगी मेरी कि भाई अगर मैं एडमिन हूँ, राइट, अगर मैं एडमिन हूँ तो मुझे क्या करना है, एमएमसी सेटअप करना है, मंथली मेंटेनेंस चार्जेस सेटअप करना है। मतलब क्या होता है मंथली मेंटेनेंस चार्जेस का, वो तो आपको पता ही है। मंथली मेंटेनेंस चार्जेस क्या होते हैं कि सोसाइटी का खर्चा मेंटेन करने के लिए वी विल चार्ज ईच फ्लैट सम अमाउंट, राइट, वी विल चार्ज ईच फ्लैट सम अमाउंट। तो और ये कौन डिसाइड करेगा, ये इस एप्लीकेशन का जो एडमिन है एक वो डिसाइड करेंगे। तो इसलिए ये वाली स्क्रीन सबको एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने लिखा है कि ओनली फॉर एडमिन। जब इस बटन पे कोई क्लिक करता है तो उसको ये वाली स्क्रीन दिखनी चाहिए, ठीक है, मंथली मेंटेनेंस सेटअप की। मान लो भाई किसी सोसाइटी में कुल कितने फ्लैट्स हैं बेसिकली, है ना, वो यहाँ पे हम लोग एंट्री कर सकें, और हर फ्लैट से आप कितना महीने का चार्ज करने वाले, हर फ्लैट से आप कितने महीने का चार्ज करने वाले हो, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, सेव कर दिया। तो बेसिकली ये मंथली बिल जनरेट करने के काम आएगी। भाई क्या होगा कि जैसे आपका वोडाफोन का या एयरटेल, मतलब कोई से भी आपने नंबर ले रखा, पोस्टपेड नंबर अगर है तो आप उसका एक मंथली बिल पे करते हो ना, तो वैसा करके आप सोसाइटी में भी मंथली बिल पे करते हो। तो मंथली बिल कितने रुपए का जनरेट होना चाहिए वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आई। तो एक टेबल हम ये भी बना करके चलेंगे, एमएमसी सेटअप अंडरस्कोर टी, कुछ भी नाम दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, चूंकि हम अभी सोसाइटी ओपन कर रहे हैं तो सोसाइटी तो बहुत पहले से थी, लेकिन इस एप्लीकेशन को यूज करना शुरू करेंगे तो उस एप्लीकेशन में हम लोग ये भी बताएंगे कि अकाउंट का बैलेंस क्या है, अभी ओपनिंग बैलेंस क्या है, कैश कितना है और बैंक में कितना है, ठीक है। तो एक स्क्रीन आपको ये बनाए है, सॉरी, एक स्क्रीन आपको ये बनानी है। फिर आते हैं हमारी ये वाली स्क्रीन, पेमेंट वाली। मान लो अब मुझे पेमेंट, जैसे मेरे को लगा रहे बैलेंस या ड्यू अमाउंट इतना हो गया, राइट, अब मैं इसी पे डबल क्लिक करूंगा तो मेरी ये वाली स्क्रीन खुलनी चाहिए इस तरह की, कि भाई मैं कितना अमाउंट देने वाला हूँ। मान लो 2500 रुपये देने वाला हूँ, मोड क्या है मेरा, लेट से मैंने कैश दे दिया, और रिमार्क क्या है, एमएमसी चार्जेस कुछ भी डाल दिया मैंने, राइट। जैसे ही सेव करोगे तो उसका डेटा सेव हो जाना चाहिए, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कम हो जाएगा क्योंकि आपने उसको पे कर दिया है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक हर चीज का जैसे सेव करोगे एक टेबल बनानी पड़ेगी आपको, पेमेंट अंडर स्कोर टी या कुछ ऐसा करके, वो डेट आ जाएगी, बिल का अमाउंट आ जाएगा, कितना डिपॉजिट हुआ है आपने किया है, जो मतलब एंट्रीज आप यहाँ से सेव कर रहे हो वो यहाँ पे आपका ऐसा करके दिखना शुरू होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से करके कब कितना कैसे करके आपने पे किया है वो यहाँ, हाँ बोलो, हाँ हाँ जीरो जीरो जीरो। हाँ, मान लो आपने 2500 था आपके, लेकिन 2000 डाला आपने, राइट, तो 500 और बच गया, राइट, तो 2000 रुपये जैसे ही पे किया आपने, डिपॉजिट हुआ तो कितना बच गया, 500 रुपये। फिर ये बिल अमाउंट क्या लिखा मैंने, अच्छा, तो ये बिल अमाउंट, ये अमाउंट है कि अब क्या होगा, हर महीने एक बिल जनरेट होगा, राइट। तो जैसे ही जिस भी डेट को बिल जनरेट हुआ है, एक तो वो डेट आ जाएगी, राइट,
और फिर उसका वो बिल अमाउंट आ जाएगा, और बिल अमाउंट फिर वो बैलेंस अगर मान लो 500 बचा था तो उस 500 में जुड़ करके मान लो 2500 रुपए उस महीने फिर जनरेट हो गया अगले महीने, तो 500 प्लस 2500 यानी कि 3000 रुपए दिखना शुरू हो गया, और वही 3000 आपको जो फाइनल बैलेंस अमाउंट है वही आपका यहाँ पे दिख रहा है बेसिकली, समझ गए? तो इसको बनाने से हमारे फंडे भी क्लियर होंगे, और फिर जब हम रिपोर्टिंग करेंगे, अभी मैं क्या करूंगा एक ओरेकल क्लाउड पे डेटाबेस लूंगा, वो एक थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए फ्री देते हैं, फिर उसी डेटाबेस को आप सब लोग एक्सेस करेंगे तो उससे ये होगा, और अपनी अपनी एप्लीकेशंस बनाएंगे कि यहाँ पे उतना थोड़ा आपको ओरेकल का भी फंडे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद है तीसरी स्क्रीन आपकी अकाउंट की, दिस इज ऑल्सो फॉर एडमिन ओनली, कि जितनी भी सबकी ट्रांजेक्शन्स हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी, किस यूनिट नंबर ने, किस कैंडिडेट ने कितना अमाउंट दिया है, डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है या ट्रांसफर हुआ है, ट्रांजेक्शन मोड क्या है उसका, ठीक है। और ये हो गया, मान लो जैसे ये जो G4 वाला था, G4 वाले ने 2500 रुपये पे किए इस स्क्रीन के थ्रू, वो जो स्क्रीन मैंने आपको दिखाई थी, तो उसकी एक एंट्री पूरे उसमें भी चली जाएगी बेसिकली, क्या कि भाई G4 ने, विनेश कुमार ने 2500 रुपये क्रेडिट हुआ अकाउंट में, ये इसका अकाउंट है, किसका सोसाइटी का अकाउंट है, राइट, और ट्रांजेक्शन मोड ऑनलाइन था, ठीक है। तो अब चूंकि ये क्या है ना, ये जो कैश और बैंक और टोटल है, ये क्या है कि जैसे मान लो आपका ओपनिंग बैलेंस जो हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाली थी, करेक्ट, मान लो 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में पड़े हैं और 5,000 रुपए आपके कैश हाथ में है, राइट, तो वो 5,000, अब जैसे ही आप यूनिट बैंक नंबर करोगे तो एक एंट्री इसकी भी आएगी, इनफैक्ट यहीं से दिखा दोगे आप अपना अकाउंट शुरू करने जा रहे हो ना, तो आपका जो ये है, ये जो आपने यहां से डाला था अकाउंट ओपनिंग बैलेंस कि मेरा कैश इतना है और बैंक में इतना है, तो उसकी एक एंट्री यहाँ पे चढ़ा देंगे आप, ठीक है, वो वन टाइम एंट्रीज है बस। तो यहाँ पे हमने चढ़ा दिया कि भैया यूनिट नंबर कुछ नहीं डालेंगे वहां पे, कैंडिडेट नेम भी कुछ नहीं रहेगा, एडमिन डाल दो जो भी है, लेकिन जो कैश आपने डाला 10,000 रुपये मान लो कैश में था, तो यहाँ पे 10,000 रुपये आ जाएगा, और बैंक में मान लो एक ट्रांजेक्शन तो हो गई ये, और इसमें हो गया आपने कैंडिडेट का नाम हो गया एडमिन, और क्रेडिट, ठीक है, और नहीं अमाउंट है बेसिकली 10,000, 10,000, और ट्रांजेक्शन मोड था मान लो ऑनलाइन ट्रांसफर, ठीक है, तो आपका, और ये बैंक हो गया 0, तो आपका हो गया टोटल कैश प्लस दिस, ऐसे ही एडमिन ने क्या किया, एक एंट्री किया 5,000 रुपये मान लो आपके अकाउंट में है, अच्छा ये ऑनलाइन हुआ ना, देखो अगर ऑनलाइन हुआ है तो फिर तो बैंक में ट्रांसफर हुआ है इसका मतलब ये, राइट, और मान लो कैश दिया है, राइट, अगर कैश दिया है तो आपने 10,000 रुपये यहाँ पे कैश और था आपके पास, तो ये बेसिकली उल्टी डायरेक्शन में चलेगा, उल्टी इन द सेंस रिवर्स ऑर्डर में, राइट, तो पहले ये एंट्री डली होगी और उसके बाद आपका हो गया, तो ये था जैसे 10,000, भाई भाई सैकड़ा हजार 10,000, राइट, तो बेसिकली अब ये कैश था, राइट, मान लो ये एंट्री डाली आपने, ये एंट्री थी आपकी वन एंट्री और टू एंट्री ऐसा करके मान लो, ठीक है, यानी कि ये बाद वाली एंट्री है, तो इसमें आपका सॉरी 5,000 ही तो है यहाँ पे,
5,000, तो आपका 5,000 आपने कैश डाला तो 5,000 आपका कैश में बच गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने 10,000 डाला तो उस टाइम पे कैश कितना चल रहा था पहले से, 5,000, और 10 आपका इसमें आ गया अकाउंट में, तो कुल कितना हो गया 15,000। मतलब एक टाइम पर वो दिखाने के लिए कितना अमाउंट है, या जैसे अब मैं क्या करूंगा कि उस बंदे ने, मान लो विनेश ने ट्रांसफर किया 2,500 रुपए, ठीक है, और ये ऑनलाइन किया, तो कैश कितना था पहले से आपके पास, 5,000 रुपए, और 10,000 रुपए ये था आपका पहले से, 10,000 प्लस 2,500, टोटल कितना हो गया, 17,500। यानी कि मेरे पास आज की डेट में, मैं एक ही बारे में बता सकता हूं कि जब विनेश ने ट्रांसफर किया तो ऐसा करके मेरे पास ये अमाउंट बन गया, राइट। उसके बाद मान लो देवेंद्र ने पे किया कुछ, राइट, 1,000 रुपए डाले देवेंद्र, राइट, कैश दिया, तो कैसी ट्रांजेक्शन बनेगी आपकी भाई, 5,000 पहले से था आप, यानी कि जो प्रीवियस वाला है उसमें जो अभी डला है कैश वो डल गया, और जो बैंक वाला था, चूंकि बैंक में कुछ डला नहीं है तो पुराना ही वाला उठ करके रहा, और टोटल आपका ये हो गया आज की डेट में। मान लो हुआ क्या कि कुछ खर्चा हो गया, खर्चा किसने किया, मान लो रविंद्र ने किया, उसने 1,000 रुपए का वो ले आया, डीजल ले आया, राइट, और उसने कैसे किया, कैश में से पे किया, क्योंकि कैश का मान लो अमाउंट वही रखता है, तो क्या हुआ, 6,000 माइनस दिस हो गया, क्योंकि खर्चा था ना ये, और बैंक का हमारा वही इंटैक्ट रहा जो पुरानी वाली ट्रांजैक्शन थी, अब कुल कितना रह गया, इतना रह गया, राइट। तो ऐसा करके मेरी एंट्रीज चलेंगी, ऐसा करके मेरी एंट्रीज चलेंगी। हालांकि हम इसमें ये भी दिखाएंगे कि अगर डेबिट था, राइट, तो माइनस होगी ट्रांजैक्शन, और क्रेडिट था तो प्लस की ट्रांजेक्शन रहेंगी। मतलब ऐसा दिखा सकते हैं कि ये बाहर गया और ये अंदर आया है, वो देर आर मैनी वेज एक्चुअली, राइट। तो इस तरह से करके अब मान लो मेरी सोसाइटी में एक बंदा है रविंद्र करके, राइट, मैं उसको एक्चुअली दे देता हूँ खर्चा करने के लिए 40-50,000 रुपए, पूरे महीने खर्चे करता रहता है, अपनी सैलरी वैल्यू भी उसमें से ले लेता है, लेकिन वो धीरे धीरे करता है, राइट, धीरे धीरे जब उसकी वो जरूरत पड़ती है तब करता है, तो और मैं कैसे मेंटेन करूं अपने यहां पे, तो मैंने क्या किया, एक स्क्रीन दे दी यहाँ पे, अमाउंट ट्रांसफर कितना अमाउंट किया और किस बंदे को किया, तो उतना ही कैश से बैंक में, मतलब ऐसा करके अगर ट्रांसफर वाला कैश है तो यहाँ पे ऐसा करके लिखेंगे कि मान लो 5,000 रुपए हमने कैश में डाल दिए, राइट, तो और आपने कैसे दिए, तो बैंक में से 5,000 रुपए कम हो गए बेसिकली, राइट, बैंक में से दिस माइनस दिस, राइट, और ये आपके पास कैश ऐसे ही पड़ा रहा, हाँ, और कैश अगर ये था दिस प्लस दिस, क्योंकि अमाउंट तो उतना ही रहना चाहिए ना, क्योंकि अमाउंट तो उतना ही होना चाहिए, क्योंकि इधर से उधर गया है बस। तो इस तरह से करके हमें ये अकाउंट की जो टेबल है ये अपने को ऐसा करके मेंटेन करनी है, सो दैट ऑन ए सिंगल पॉइंट ऑफ क्लिक आई शुड बी एबल टू नो कि क्या मेरी सिचुएशन थी। कल की डेट में मुझे किसी बंदे की पूरी ट्रांजैक्शन फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे मैं करूंगा विनेश, और
वो पूरा डेटा दिखा देगा अवनेश ने अभी तक क्या क्या किया आज के। या अगर मेरे को देखना है कि इस ईयर में 2021 में मार्च में अवनेश की कुल कितनी ट्रांजेक्शन्स हैं, तो वो यहाँ पे दिखा दे। तो इस तरह से करके मुझे ये पूरा अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करना है, ठीक है। तो इस तरह से करके ये आपकी एक छोटी सी बढ़िया एप्लीकेशन बन जाएगी, दैट पीपल आर एबल टू रजिस्टर देयर सोसाइटी एंड दे आर एबल टू पे द मेंटेनेंस। हालांकि वी विल पुट अ वैलिडेशन रूल एज वेल। मान लो किसी ने वैसे ही करके डाल दिया, मुझे कैसे पता चल जाए कि बंदे ने पैसे डाल दिए कि नहीं डाल दिए। या तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं, अधिकतर व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि मंथली मेंटेनेंस इज पेड। और उसके बाद में क्या करता हूँ, बैंक की एप्लीकेशन जाकर के देखता हूँ कि हाँ इसने वास्तव में पे की है कि नहीं की है। अगर पे कर दिया होता है तो फिर मैं अप्रूव का बटन दबा देता हूँ, दैट्स ऑल। मतलब अभी हमने अप्रूवल का इसमें डाला नहीं है, लेकिन अप्रूवल का भी धीरे धीरे आएगा। बट अभी बिना अप्रूवल के ही हम लोग इस चीज को ऐसा करके करके यू नो चलते हैं। थोड़ा सा यू नो लाइक अदर टाइप का है, इसको जरा बनाओ और फिर यू नो क्वेश्चंस पुट अप करो कि ये अगर हम ऐसे करेंगे तो मतलब ये चीज कैसे सोल्व होगी या नहीं होगी। ठीक है, अभी तो फिलहाल वैसे करेक्ट करो जैसा मैं कह रहा हूँ। मतलब इस एप्लीकेशन को आगे बढ़ाओ और जो जो मॉडिफिकेशंस मैंने इसी स्क्रीन में किए हैं या और दूसरी स्क्रीन्स नहीं बनाई है उसके बारे में टेबल स्ट्रक्चर का आइडिया सोचो। सोचने के बाद फिर उस चीज को कोड करो, फिर देखो कितना मजा आएगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? पॉइंट जो आपको समझ में आया हो अकाउंट वाले। हाँ हाँ अच्छा, वो यही था कि मान लो मुझे एक्चुअली क्या है कि देखो मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरी बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है ना, मैं उसको पैसे पकड़ा देता हूँ कि भाई ये ले 10,000 रुपए या 20,000 रुपए, तुझे डीजल लाना है, किसी को थोड़ा बहुत पैसा देना है, जो भी कुछ करना है ना, तू इसमें से कटता रहियो खर्चे और मुझे महीने के अंत में आके वो बिल बता दियो कौन कौन से मैं किस किस में कितना खर्चा किया है, मैं एप्लीकेशन के अंदर डाल दूंगा, राइट। तो उस चीज के लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कि आप बैंक से कैश में ट्रांसफर कर रहे हैं या कैश से बैंक में कर रहे हैं। अधिकतर बैंक से कैश में ही होता है, कैश से बैंक में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग मान लो हमें मंथली मेंटेनेंस है वो कैश में पे कर रहे हैं, करेक्ट। तो कैश में अगर पे कर रहे हैं तो कैश हमारे पास ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा रविंद्र के पास, राइट, जो भी सिक्योरिटी कार्ड है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो बैंक में डाल के आएगा, बैंक में डालेगा तो उसका कैश खत्म हो जाएगा और बैंक में चढ़ जाएगा, राइट। ये उसी पर्पस के लिए है, अमाउंट ट्रांसफर के लिए। नहीं वो चूंकि इसमें शायद हमने रिपोर्ट्स ऐड किए हैं ना इसलिए हो क्या, नहीं तो ये इसी का पार्ट थे ये जो है ना। हाँ हाँ ये ऐड केवल ये एडमिन ही को एक्सेस कर सकता है। हाँ ये उस टाइम पे ओपन होगी जैसे हम उसको क्लिक करेंगे, पॉप अप विंडो रहेगी, रेस्पॉन्स विंडो बेसिकली, और इसमें डाल के सेव कर दोगे बंद जाएगी तो वो आगे। तो मैं आप लोगों के साथ ये चीज शेयर कर रहा हूँ, इसको आप बनाइए, ठीक है। और फिर हम लोग जैसे ही खत्म हो जाता है कल वाला भी, मतलब कल इन सेंस डे बिफोर यस्टरडे वाला और ये वाला, क्योंकि ऐसा ना हो आगे छोड़ यू नो पीछे छोड़ और आगे दौड़ टाइप से करके हो जाए, है ना। हाँ तो पहले वो जो पुराना काम है उसको कंप्लीट करो, फिर उसमें ये चीजें ऐड करो और समझो कि हमने क्यों लिखी है यहाँ पे और फिर आगे बढ़ो। क्या चलो तो भाई।